नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर गुरु चैनल से मैं सुनीत कुमार फिर आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके हाजिर हुआ हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम लोग कंप्यूटर्स के हार्डवेयर के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक सीपीयू ओपन किया हुआ है। अभी हम इसके हार्डवेयर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है हमारा SMPS, जो कि हमें पावर सप्लाई हमारे सीपीयू को प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे इस पार्ट में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे CD/DVD ये ड्राइव लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारा जो है इस पीसी में हार्ड डिस्क जो है कनेक्ट किया हुआ है। और ये पार्ट जो रहता है ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारा मदरबोर्ड है। सीपीयू का हार्ड जो होता है वो मदरबोर्ड ही होता है। और यहाँ पे जो जो आप देख पा रहे हो, दिस वन ये आपका रैम का स्लॉट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो हार्डवेयर के अंदर और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारा, यहाँ पे मैं उंगली लगा रहा हूँ, दिस इज़ ए सीमॉस बैटरी। सीमॉस बैटरी जो ये होती है, सीमॉस बैटरी है। बाकी इसके अंदर कनेक्टर इंटरफेस होता है। SMPS से जो कनेक्टर्स आ रहे हैं, इसमें से पावर सप्लाई जो है मदरबोर्ड को ये पूरा पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाता है, जो कि +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, 1 वोल्ट और 12 वोल्ट जो भी है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स, ये पूरी पावर सप्लाई इनमें आते हैं। और दूसरा एक इंटरफेस कनेक्टर्स होते हैं, जो कि आपका CD/DVD ड्राइव से लेके, ये देखिए यहाँ से आपके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट रहता है, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट रहता है। मदरबोर्ड से दूसरा जो है हमारे जो है DVD के साथ जो है कनेक्ट रहता है, ये यहाँ पे DVD के साथ कनेक्ट रहता है। और दूसरा यहाँ पे बसेस हैं, ये दीज आर द बसेस। ये बसेस जो है इंटरफेस करवाती हैं मदरबोर्ड का, जो है मदरबोर्ड को इंटरफेस करवाती है यू है प्रिंटर पोर्ट के साथ, ये जो बाहर आप देख रहे हो। इसी तरह ये हमारा जो क्या है, ये हमारा लान पोर्ट जो होती है वो कनेक्ट रहती है यहाँ पे। और बाकी जो है USB पोर्ट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हैं हमारे USB पोर्ट्स जो बाहर कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे CPU में फैन लगा होता है, जो कि हीट सिंक का हीट नहीं होने देता। और ये जो फैन जो होता है पूरे ही मदरबोर्ड को जो है हीट से बचाता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो जो कि इसका होता है CPU का, दैट इज़ कॉल्ड द जो CPU के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेसर। तो ये प्रोसेस फैन जो है प्रोसेसर के ऊपर ही लगा होता है, ताकि जो प्रोसेसर को हीटअप ना हो सके। और प्रोसेसर आपका हीटअप हो गया तो सिस्टम जो है स्लो हो जाता है। ये रैम के स्लॉट होते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो अगर इन की को यहाँ पे प्रेस करके, दोनों को प्रेस करके आप रैम को निकाल सकते हो। ये है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं, तो ऐसे इसको आप निकाल भी सकते हो। तो रैम जो है सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो कई बार सिस्टम जो चलता नहीं है तो आप रैम को निकाल के डाल सकते हो। तो ये ओवरऑल आपका CPU है। तो यही मोटा मोटा इसका हार्डवेयर है। एंड आई थिंक कि हार्डवेयर से आपकी जान पहचान हो गई होगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे लाइक करके और अपने वैल्यूबल कमेंट्स दें। योर वेलकम, योर वैल्यूबल कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड टाइम।